खोल लिया क्योंकि मेरा जैकेट पूरा भीग चुका है। असली में असली आंखों से जो सुंदर दिख रहा है यहाँ से, ऑसम, जस्ट ऑसम। दिस इज दी व्यू पॉइंट, दिस को तासी व्यू पॉइंट। भाई सुबह उठते ही सब लोगों का मूड एकदम खराब हो गया है क्योंकि बारिश अभी तक नहीं रुका है, होते ही जा रहे। और हेलीकॉप्टर की एजेंसी से भी कॉल आया था, उन लोगों ने बोला कि आज हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा इस वेदर में, तो सब लोगों का मूड खराब हो गया है। और हमारे साथ इतना स्कम क्यों हो रहा है यार, पहले तो हम लोग लाचिन नहीं जा पाए, ऊपर से ये वो इधर बाहर भी नहीं निकल सकते, हेलीकॉप्टर भी कैंसिल हो गया, इतना बैड लक यार। अभी वो इधर देखो आप लोग, जस्ट वो इधर देखो एकदम धुआ। बारिश होती जा रहा है यार, रुक जा मेरा भाई, कम से कम बाहर तो निकलने दे। अभी 12 बज चुका है दोपहर के, लेकिन जस्ट बारिश रुका है, लेकिन वेदर भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये देखो बहुत ही ख़राब है वेदर, और ठंड भी बढ़ चुका है यहाँ पे बारिश की वजह से। अभी बाहर की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, थोड़ा एजेंसी पे जाके भी बात करेंगे कि अगर हेलीकॉप्टर उड़न भरता है कि नहीं, चलते और बात करके देखते, होता है तो अच्छा है, वरना कल सुबह एक बार ट्राई करेंगे फिर परसों लौट जाएंगे यहाँ से, लास्ट ट्राई करके देखते हैं, कुछ होता है तो अच्छा वरना जो किस्मत में लिखा है वही होगा, और क्या कर सकते हैं हम लोग। अगर अगली बार पॉसिबल होता तो आ जाएंगे, और अगली बार बाइक लेके ही आऊँगा, ऐसे मुझे बिल्कुल भी नहीं आना। सो अभी चलो बाहर की तरफ चलते हैं, गाइस लेट्स गो। आर यू ऑल माय पर्सनल ग्रीट, ऑफिस में आए थे इन लोगों ने क्लियरली बोल दिया कि आज नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, और कल ऑफिस बंद है, कल हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने वाला है, वही छुट्टी इन लोगों का, और पैसा रिफंड करने में 10 दिन दे रहा है लोग, 10 दिन भाई, इतना दिन कौन लेता है पैसा रिफंड करने में। और अब क्या ही करो, बहुत रिक्वेस्ट किया हम लोगों ने लेकिन होने नहीं वाला है, और होगा भी तो कैसा होगा, वो इधर देखो कोहरा एकदम भरा पड़ा हुआ है यार, फंस गए हम लोग, फंस गए पूरा। सो हम लोगों को तो हेलीकॉप्टर में नहीं हुआ, तो हम लोग अभी साइट सीन करने आए हैं, और अभी हम लोग आए हैं सुसाइड जोन पे। इसे सुसाइड जोन क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ का खाई देखो एकदम, ये खाई देखो, जस्ट इट। अगर मेरा पैर गलती से भी स्लिप हुआ तो मैं सीधा नीचे, एकदम नीचे भाई, शायद इसलिए कहता है सुसाइड जोन बहुत ही डेंजरस है, डूड वो नीचे तो और भी अच्छा व्यू है डूड, जस्ट भी नीचे चलो और देखो। What a beautiful view, dude! It's amazing, just amazing. Look at this. अभी कैमरा में मुझे नहीं पता कैसा दिख रहा है, लेकिन असली में असली आंखों से जो सुंदर दिख रहा है यहाँ से, ऑसम, जस्ट ऑसम। पैसा वसूल भाई, पैसा वसूल। व्यू देखो भाई, व्यू देखो। अभी तो पूरा एकदम कोहरा है, इसको ऐसे थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन जब एकदम आसमान क्लियर होता ना तो इतना अच्छा दिखता भाई, यहाँ से इतना अच्छा दिखता। Damn! ये आंखों हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे पॉइंट पे। पहुंच चुके हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, और ये है टिबेटोलॉजी म्यूजियम। यहाँ से टिकट ले रहा है मेरा भाई, और टिकट लेने के बाद हम लोग अंदर चलते हैं और चल के देखते हैं क्या क्या म्यूजियम में। चलो टिकट्स, 5 टिकट्स। अब तो लग चुका है, प्लीज मेंटेनेंस साइलेंस, स्विच ऑफ मोबाइल, नो फोटोग्राफी, फाइन 500। अब अंदर का व्यू कैसे दिखाओ? अरे यार फोटोग्राफी नहीं कर सकता अंदर, तो अंदर का व्यू नहीं दिखा सकता। अंदर चलते हैं, कुछ अच्छा लगा तो आप लोगों से शेयर कर लूँगा, लेकिन अंदर फोटोग्राफी नहीं कर सकते हम लोग। सो चलो अंदर चलते हैं और कैमरा बंद करते हैं। चलो इस म्यूज़ियम के अंदर बुद्ध धर्म का पुराने दिनों का बहुत सारा किताबें थी, जो हम लोग एक पर्सन भी समझ नहीं आया, और बहुत सारा कॉइन्स था, एक स्ट्रक्चर था, और बहुत सारा कैमरा था पुराने दिनों का, वो सब अच्छा लग रहा था देखने में। सो अभी हम लोग पूरा कवर कर लिया म्यूज़ियम, अभी दूसरा पॉइंट पर जाना है, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा सा बारिश का बूंदे गिर रहा है, और इस चारों तरफ देख रहे हो सब बादल है, बादल। अभी हम लोग बादल के अंदर है, सो अभी जल्दी जल्दी से चलते नेक्स्ट पॉइंट पर। We'll be right back.
और बारिश आया है, पता नहीं गाड़ी से कैसे उतरूंगा, ठंड भी बढ़ चुका है बारिश की वजह से। यार ये देखो क्या होगा, कुछ भी मालूम है। ऐसा फूटी किस्मत किसी को भी ना हो, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। गाड़ी में रहना पड़ेगा, गाड़ी में घूमना पड़ेगा। गाड़ी में घूम के मजा कैसे आएगा, बाहर का व्यू तो दिखेगा नहीं गाड़ी से उतना अच्छे से। अभी जल्दी से गाड़ी में लौटते, ज्यादा भिगना नहीं है। चलो चलो ये रहा वाटरफॉल, ऊपर जाता है। अब मैं भीग चुका हूँ, मेरा जैकेट भी पूरी तरीके से भीग चुका है। बस वाटरफॉल कैप्चर करने के लिए मेरा जैकेट भी भीग चुका है। अभी अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी जा रहा है, वाटरफॉल के लिए पूरा भीग चुका है। अभी हम लोग पहुँच गए गणेश ट्रक, लेकिन गाड़ी से उतर नहीं पा रहे हैं क्योंकि बाहर एकदम बारिश ही बारिश हो रहा है, तो उतर नहीं पा रहे गाड़ी से। अभी गाड़ी में ही रुके गणेश ट्रक में। टाइम खराब चल रहा है, बहुत खराब चल रहा है टाइम। आने से ही लग चुका है हम लोगों का, अभी क्या ही करो, मूड पूरा चुका है। तो बहुत देर तक गाड़ी में वेट करने के बाद भी बारिश नहीं रुका, तो हम लोग ऐसे निकल पड़े। मैं जैकेट का टोपी दे दिया माथे पे, भाई रुमाल ले लिया भाई इधर आ, वो भी टोपी दे दिया माथे पे, और ये भाई मेरा बैग का रेनकोट निकल के माथे पे दे के चल रहा है। लेकिन जाना है, कुछ भी हो जाना है, कुछ भी हो जाए हमको जाना है। चलो चलते हैं गणेश ट्रक के ऊपर में। ब्रो इस बारिश के साथ गैंगटॉक में चाय का मजा भाई अलग ही स्वाद है, भाई अलग ही स्वाद है, नेक्स्ट लेवल डूड। भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई, चाय का स्वाद यही तो चाहिए थी, चाय विद बारिश इन गैंगटॉक, इससे बढ़िया और कुछ नहीं। मैगी इन दिस वर्ल्ड, द टेस्ट करो, बता दो कैसा है। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। इतना ठंड बढ़ चुका है और बारिश भी हो रहा है कंटिन्यूअसली, इस वेदर में मैगी का स्वाद भाई नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल भाई। फिर से जोर से बारिश आ गया, ऊपर तक जाने से पहले ही बारिश आएगा, लेकिन हम लोग पहुँच ही नहीं पाए। वो रहा गणेश ट्रक का गेट, वो सीधा एकदम सामने, नहीं जा पाए, इधर ही रुक गए। फिर से लौट के जाना पड़ेगा गाड़ी में, भाग के जाएंगे गाड़ी तक। यार भाई पूरा चख लिया, पूरा खत्म कर दिया, अमेजिंग स्वाद, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। एंड लेट्स गो, अभी भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, अभी बहुत सारा जगह जाना है, तो चलते अब जल्दी 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 भाई वहाँ पर। अयो भक्त भक्त आ गया गाड़ी तक और भीग चुका हूँ, मतलब थोड़ा सा जैकेट भीग चुका है। तासी व्यू पॉइंट पे जाएंगे, लेकिन वो अभी बारिश हो रहा है यार, पता नहीं कैसा व्यू आ गया तासी व्यू पॉइंट पे। भाई फॉग अब इतना ज्यादा बढ़ गया कि रोड भी ठीक से नहीं दिख रहा है, पूरा फॉगी हो इधर। देखो बाहर देखो और रोड देखो, पूरा फॉगी वेदर हो चुका है अभी। और व्यू पॉइंट पे हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन बारिश की वजह से गाड़ी से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। यहाँ से ये जो सामने दिख रहे हैं, इस सीढ़ी से ऊपर तक 100 मीटर चलना पड़ेगा, लेकिन इस हालत में हम लोग कैसे चढ़े 100 मीटर, बारिश भी हो रहा है, गाड़ी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो छतरी मिल जाते हैं आसपास कोई तो खरीद लेता, लेकिन छतरी का दुकान भी नहीं है। अभी मैं खा रहा हूँ एक पैरासीटामॉल और एक पैंडी, क्योंकि घर से बाहर है कि 1% भी रिस्क नहीं लेना है। मैं थोड़ा सा भीग चुका हूँ, तो अभी पहले ही खा लेता हूँ, सेफ्टी इज़ फास्ट। ये देखो सेफ्टी इज़ लाइक ए क्लॉक बट यू आर द की। बहुत देर से हम लोग गाड़ी के अंदर बैठे हैं, लेकिन बारिश रुक का नाम नहीं ले रहा है भाई, नींद आ रहा है, थकान भी हो रहा है, अभी महसूस हो रहा है। इतना खराब वेदर क्यों है भाई, इतना खराब वेदर।
यार बैठ बैठ के बोर हो रहा था, दो भाई चला गया ऊपर और मैं बहुत सोचने के बाद मैं भी चलता हूँ एक और रिक्स लेके, आते जैकेट खोल दूँगा क्योंकि जैकेट पूरा भीग जाएगा, तो चलते हैं थोड़ा सा रिक्स लेते हैं। यार क्या करूँ डूड, एक और स्कैम, लेट्स गो, भी चलते भागते भागते दौड़ते दौड़ते। चलो गाइस, चल मेरे भाई, ए टोपी दे माता पे, टोपी दे भाई, फुल एडवेंचर ब्रो, एडवेंचर में आया है तो देख कर जाना ही पड़ेगा। एंड दिस इज द व्यू पॉइंट, दिस को तासी व्यू पॉइंट। यार लेकिन बादलों की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा है, तरह तरह से कोहरा ही कोहरा, तो कुछ नहीं दिख रहा है, वरना अगर क्लियर होता तो बहुत अच्छे से दिखता सब कुछ। अबे फिर से भाग के जाना पड़ेगा नीचे, बहुत ठंड है यहाँ पे, क्या बोलूं। चल भाई भाग, चल चल बस, स्लिप ना हो पैर, हाँ बाकी और कुछ नहीं बस। अभी नीचे तक पहुंच चुके हम लोग, अभी गाड़ी तक भाग के जाना पड़ेगा भाई। यहाँ गाड़ी में आते ही मैंने जैकेट खोल दिया, गाड़ी के अंदर पूरा खिड़की सब लॉक है तो गाड़ी के अंदर असेंबली लग रहा है, लेकिन मैं आते ही मैं जैकेट खोल दिया क्योंकि मेरा जैकेट पूरा भीग चुका है। सो अभी मैं ऐसे होटल में जाऊँगा, होटल में जाके ही फ्रेश होके नया जैकेट पहन लेंगे। एंड भाई ने कार का हीटर ऑन कर दिया है तो अभी ठंड नहीं लग रहा है, हीटर ऑन हो चुका है तो अभी सही है। मैं फिर से मेरा वो भीगा हुआ जैकेट पहन के उतर गया गाड़ी से क्योंकि ये वाटरफॉल का मज़ा लेना था, तो मैं फिर से उतरा वाटरफॉल लेने के लिए। बहुत भाइयों विक्ट्री एडवेंचर का मुझे कैसा लग रहा है, एडवेंचर का लाइफ में एक अलग ही मजा है, एक अलग ही मजा है, वो बोल के एक्सप्लेन कभी नहीं हो सकता, खुद ट्राई कर तभी पता चलेगा। जैकेट पूरी तरीके से भीग चुका है, पूरी तरीके से भीग चुका है, मतलब जैकेट से पानी अंदर चला जा रहा है भाई, लोग पूरा भीग गए ना। अपना अपना ड्रेस उतार दो, जो भीगा हुआ है उतार दो, जुकाम हो जाएगा, अपना ड्रेस उतार दो। फिर से मैं मेरा भीगा हुआ जैकेट खोल दिया और मैंने फिर हीटर चला दिया, सो ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है भाई, आते हैं, ओके थैंक यू, ओके बाय बाय। तो हम लोग अभी होटल पहुंच चुका है और बहुत ही मज़ा है, बहुत ही मज़ा, बहुत ही मज़ा आया। चलो अभी रूम पे चलते हैं और फ्रेश होते हैं। सो अभी हम लोग फ्रेश होकर बेड पे रेस्ट कर रहे हैं और सूरज भाई क्या है बाहर खाना लेने के लिए, वो खाना लेके आएगा फिर हम लोग सब लंच करेंगे। और अभी टाइम देखो, टाइम हो रहा है 4:54, टाइम हो रहा है करीब 5 बजे हम लोग लंच करेंगे। ऐसा ही होता है ट्रैवलिंग में, घूमते घूमते टाइम नहीं मिलता, कब टाइम चला जाता है पता नहीं चलता। सो अभी सूरज भाई आएगा, जो मिलेगा वही लेके चला आएगा, वो आएगा तब हम सब लंच करेंगे। सब लोग थोड़ा थोड़ा करके थक चुका है सब लोग। अभी हम तीनों मार्केट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हम तीनों को घर के लिए कुछ ना कुछ खरीदना है, और दो भाई सो रहा है क्योंकि वो तो बहुत टायर्ड होगा तो वो लोग सो गए हैं, और हम दोनों मार्केट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हम दोनों को कुछ ना कुछ खरीदना ही है घर के लिए, तो चलो चलते हैं और देखते हैं क्या मिलता है हम लोगों को। भाई साहब अभी तक बारिश हो रहा है, रात के 8 बज रहे हैं लेकिन अभी तक बारिश रुका ही नहीं, अभी से हल्का 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 सा हो रहा है, कल शाम से बारिश स्टार्ट हुआ था अभी तक होते ही जा रहा है, अभी थोड़ा सा कम हो चुका है, अभी थोड़ा सा हल्का हल्का सा हो रहा है लेकिन अभी तक रुका ही नहीं कल शाम से। भाया इस वेदर में घर कैसे जाओगे भाई, घर कैसे जाओगे, कल घर लौटना है हम लोगों को। वेदर ने हमारा सब कुछ बिगड़ के रखा है, बिगाड़ के रखा है भाई, कल हम लोगों को घर लौटना है लेकिन इस वेदर में बहुत तकलीफ होगा घर लौटने में, गाड़ी नहीं मिलेगा। हमारे दिल में जो आशाएं थे ना बस खत्म कर दिया ये वेदर ने, सब कुछ कैंसिल हो रहा है, दिल टूट गया है पूरा,
जो सब भी करना था सब कुछ कैंसिल हो चुका है बस इस वेदर के लिए। कुछ भी अच्छे से घूम नहीं पाया आज, कल शाम से मतलब कल शाम में भी निकल नहीं पाया था और आज पूरा दिन अच्छे से घूम नहीं पाया जस्ट इस वेदर की वजह से। एक के बाद एक कैंसिल होते जा रहे हैं। लो भैया थोड़ा सा बारिश कम हुआ था फिर से जोर से आ गई, अभी भाग भाग के होटल में जाना पड़ेगा। रे क्या हो गया इस वेदर का। सो भाई लोग जैसे तैसे करके रूम तक पहुंच गए हम लोग और ये हम लोग का लगेज देखो इतना सारा हो गया सब कुछ, आधा लेके आए थे और फिर डबल हो गए यहाँ पे आके। और मैं आज हाफ पैंट पहन के निकला था मार्केट में क्योंकि मेरा दो जीन्स लेके आया था दोनों भीग चुका है वो भी सूखा नहीं है, और एक सेट ड्रेस लेके आया था वो सूखा है लेकिन वो थोड़ा गंदा हो चुका है तो मैं नहीं पहन के गया हूँ, और हाफ पैंट पहन के गया था बाहर और बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है भीगने की वजह से। सो जल्दी से ड्रेस चेंज कर लेते हैं अभी। और ये माइक देखो मैं कैसे लेके आया बारिश की वजह से, ये देखो पॉकेट के अंदर घुसा के माइक लेके आया क्योंकि ये माइक वाटरप्रूफ नहीं है, अगर बारिश की वजह से भीग गया तो खत्म भाई, तो इसमें पॉकेट में घुसा के लेके आया हूँ। हे ब्रो क्या हाल है। Happy birthday dear Landu. Snowman. और ये आते ही मुझे ये मिला ये बहुत क्यूट है और